नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार में अवैध हथियार का धंधा धड़ल्ले से जारी है। इस बीच मुंगेर से खबर निकल कर आई है जहां एक अवैध हथियार बनाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वो अवैध हथियार बनाने वाला निर्माता अवैध रूप से एक मिनी फैक्ट्री का संचालन कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी वो मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र का की बताई जा रही है, जहां एक पुलिस ने एक हथियार निर्माता को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस पूरे बात का खुलासा मुंगेर के एसपी जगुनाथ रेड्डी जोला रेड्डी ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस दौरान जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी उसके बारे में जानकारी दी है। तो आप इस विषय में सुनिए कि एसपी जगुनाथ रेड्डी जोला रेड्डी का क्या कुछ कहना है। एरिया में डब्ल्यू कुमार शर्मा इनके किराए जो मकान है ये किराए पर रहते हैं, वहाँ हथियार का निर्माण हो रहा है। उसी के गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष काशिम बाजार और सब इंस्पेक्टर मजर और हमारा DIUT सब ने जाके रेड किया। रेड करने के पर जो डब्ल्यू कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उसमें जो कुछ सामान बरामद हुआ उसमें अर्धनिर्मित पिस्टल भी है, अर्धनिर्मित जो कार्बाइन्स है और ये बेस मशीन जो है, बाकी जो अन्य सामान जो है जो हथियार बनाने में उपयोग किया जाता है वो बरामद हुआ है। और उसके साथ साथ ये कुछ गोली भी बरामद हुआ जो 7.65 mm का 3 गोली है, 9 mm का 2 गोली है। सर ये कब से बना रहा था सर, ये कहाँ मतलब करते थे? ये पहले भी इनका हिस्ट्री है कि इनका पिताजी जो अश्विनी शर्मा पहले भी हथियार का बनाने में क्रम में जो जेल गए हैं और ये लोग अभी उसके बारे में पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट गिरफ्तारी हुआ है तो हमारा टीम पूछताछ कर रहा है कि कब से ये लोग कर रहे हैं, कहाँ इनको बेचा है, ये अनुसंधान का बात है। पूछताछ चल रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक आदमी का हुआ अभी, डब्ल्यू कुमार शर्मा। तो आपने एसपी को सुना जिसने पूरी बात को बताया है, जो अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा था, अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी हथियार को लेकर, उसके बारे में खुलासा किया है। आपको बता दें कि जो आरोपी है वो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर मोहल्ले में एक किराए के मकान में अवैध तरीके से हथियार का निर्माण कर रहा था। इसी सूचना के आधार पर कासिम बाजार थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मजहर मकबूल और जिला आम सूचना इकाई की टीम ने संदलपुर मोहल्ले में एक घर में छापेमारी की, जहां पुलिस ने जहां से अवैध हथियार निर्माण कर रहे निर्माता डब्लू कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 2 वेश मशीन, 2 ड्रिल मशीन, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस एवं 1 अर्धनिर्मित कार्बाइन के साथ 5 अर्धनिर्मित कार्बाइन मैगजीन, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन, 1 आरी और हथौड़ी सहित कई हथियार के उपकरण पुलिस ने मौके से बरामद किया है। आपको बता दें कि मुंगेर से ये खबर निकल कर आई है जहां पर अवैध तरीके से हथियार निर्माण किया जा रहा था, मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार निर्माता को गिरफ्तार किया। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए निश्चित दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।